पैनाकोटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ml फुल फैट मिल्क ले लिया है, 5 टीस्पून शुगर, कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉफ्ट जिलेटिन 1 टीस्पून, ये केसर है जिनको मैंने रोज वाटर में सोक करके रखा है, ये 1 टीस्पून रोज वाटर है यहाँ पर। ये है कैश्यू नट पाउडर 2 टीस्पून और ये 50 ml फ्रेश क्रीम है। तो मैं इनमें सबसे पहले शुगर को डाल दूंगी, उसके बाद मैं डाल दूंगी ये इलायची पाउडर और ये कैश्यू नट पाउडर और इसी के साथ मैं डाल दूंगी ये 50 ml फ्रेश क्रीम और ये सारी चीज़ों को मैं साथ में बॉईल कर दूँगी। दूध यहाँ पर उबल चुका है और ये रेडी है और इसमें मैं मिला दूँगी ये गुलाब जल जिसे मैंने केसर भिगो के रखा था और इससे स्वाद के साथ साथ एक बहुत अच्छी कलर भी आती है और साथ में मिला दूँगी ये सोफ्ट जिलेटिन और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मैं उबाल दूँगी। पैनाकोटा मिक्सचर यहाँ पर रेडी है। अब इसको पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेनी है और आप देख सकते हैं केसर की वजह से इसमें कितनी अच्छी कलर आई है। तो इसे मैं सबसे पहले पूरी तरह से ठंडा कर दूंगी रूम टेम्परेचर पर। ये पैनाकोटा मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है और क्रीम की वजह से इसके ऊपर छाक भी जम गई है क्योंकि मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से थोड़ी सी विस्क कर लिया है ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो स्मूथ हो जाए। अब इनको मैं इस छोटे छोटे ग्लासेस में डाल दूँगी। ग्लासेस रेडी हो चुके हैं फ्रिज में जाने के लिए। मैं इसको 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में डाल दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। इसे हमें जमाना नहीं है, सिर्फ सेट करना है और मैंने इसके ऊपर कुछ सैफ्रन स्टैंड्स लगा दिया है और ये सेट हो जाने के बाद मैं इस पर पिस्ताचिओ से गार्निश कर दूँगी। पिस्ताचिओ मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी डालने से पिस्ताचिओ अंदर डूब सकते हैं, तो इसको मैं अभी फ्रिज में सेट कर दूंगी। ये देखिए तैयार हो गई है कुल्फी पैनाकोटा, घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए और ये रेसिपी सबको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ये कुल्फी की तरह एकदम जम नहीं जाएगी बर्फ़ जैसी और ये ऐसी रहेगी मॉइस्ट।